वैसे आप सभी लोगों का स्वागत है डीप लाइफ कस्टम्स के एक नए एपिसोड में। रोल द इंट्रो प्लीज। तो आज मैं जिस चीज का कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ वो भी आप लोगों ने दी हुई ही चीज है। आज हम लोग कस्टमाइज करने वाले हैं एक सैमसंग के टैबलेट को। तो जिन्होंने हमें ये टैबलेट दिया है मिस्टर जोशुआ, उनको चाहिए कि ये टैबलेट को हम लोग रंगीन स्टाइल में, जो डीप लाइफ की सिग्नेचर रंगीन स्टाइल है, जो वाइब्रेंट कलर के स्प्लैशेस आते हैं, वो उनको उनके बड़े से टैबलेट पे करके चाहिए। पर उनका टैबलेट थोड़ा पुराना हो गया है और उसपे बहुत सारे स्क्रैचेस है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। सो और वक्त जाया ना करते हुए जाते हैं मेरे ड्रॉइंग टेबल पे और शुरू करते हैं ये कस्टमाइजेशन। आज हमारे पास स्टूडियो में है सैमसंग का चमचमाता हुआ टैबलेट। ये टैबलेट इतना भी चमचमा नहीं रहा, इसके ऊपर थोड़े स्क्रैचेस है। जस्ट घुमा के चेक कर लेता हूँ ये चल रहा है या नहीं। तो यस, टैबलेट हमारा चल रहा है। दादाजी ने जवानी में बहुत डेंजर दिन देखे हैं, पर हम लोग इन दादाजी में नई फुर्ती भर के दादाजी को एकदम जवान कॉलेज डेज वाला रंगीला रतन बनाएंगे। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे स्क्रैचेस थोड़े प्लेन कर दूं, जो ये डीप स्क्रैचेस है उन्हें सैंड कर दूं, सैंड पेपर से थोड़ी स्मूथ फिनिश आ जाएगी। सैंडिंग करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 600 ग्रिट सैंड पेपर। स्क्रैचेस एक्चुअली इतने डीप है कि 600 ग्रिट से काम नहीं हो रहा था, 220 ग्रिट से जाना पड़ा। तो ये है हमारी दो प्यारी प्यारी टिप्स। तो मैं शुरू करता हूँ इसे कवर करना। अभी हम लोग करेंगे स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्राइमर ग्रे। ये अभी हम लोग इस पे करने से ये जो फिनिश है परमानेंट हो जाएगी। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा 3M मास्क, इससे मुझे तकलीफ नहीं होती है जब भी मैं स्प्रे पेंट करता हूँ। तो गाइज अभी टैबलेट सूख के तैयार है, अभी हम लोग करेंगे इसे पेंट। पेंट करने के लिए मैं हमेशा की तरह यूज करने वाला हूँ एक्रेलिक पेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था, इस बूढ़े टैबलेट को एक रंगीला रतन बनाते हैं। गाइज ये टैबलेट जिनका है उन्हें मेरी रंगीन पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, तो उन्हें भी इस टैबलेट पे मेरी एक रंगीन पेंटिंग चाहिए। गाइज हमारा टैबलेट अभी कलर करके तो तैयार है, अभी हम लोग इस पे मारेंगे मैट क्लियर कोट। मैंने थोड़ी जो डिटेल्स थी ऑफ कैमरा ऐड की, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ब्लेंड करनी होती है अच्छी तरीके से। अभी मैंने ये फोटो शेयर किया उनसे जिनका ये टैबलेट है, उनको बहुत पसंद आ रहा है। अभी मैं इसे सील कर दूंगा। पेंट करके तैयार है, इवन हम लोग ने इस पे मैट कोट मार दिया। अभी हम लोग ये जो है निकाल देते हैं।
जो सैमसंग अंदर एम्बॉस्ड है उसमें मैंने कलर ऐड करके हल्का सा वाइप ऑफ कर दिया और बाद में जो साइड के एरियाज थे उसमें व्हाइट से गया मैं। ये पूरा बनाने के बाद मैं जोशुआ को सेंड किया एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से, आल्सो दिस इज व्हाट हिज पेरेंट्स हैड टू से, तो उनको भी बहुत पसंद आया। आई एम हैप्पी कि मैं अपने आर्टवर्क से आपकी लाइफ में थोड़े रंग भरता हूँ। पिछला भी कस्टम सिमिलर हो गया था तो मैं यूजुअली सिमिलर कस्टम्स अपलोड नहीं करता, पर जोशुआ को सेम कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था तो मैंने अपलोड किया, क्योंकि गाइस दिस इज माय स्टाइल इंस्पायर्ड लिटिल फ्रॉम क्लाउड्स। मतलब मेरे दिमाग में स्काई ऐसा कलरफुल है, एक्चुअल में स्काई इतना ज्यादा कलरफुल नहीं है। द वे आई सी इट आई विश इट वुड हैव बीन लाइक दिस। वो टैबलेट लेने को आए थे तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी रिएक्शन इंक्लूड कर दूं, सो दिस इज हिज रिएक्शन। वाओ दिस लुक्स इज ऑसम। या हैप्पी राइट? थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ढेर सारे कस्टमाइजेशंस के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो जाके मेरा चैनल देखिए, आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस मिलेंगे और बहुत सारे कस्टमाइजेशन के वीडियो आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, वो सारी शुभ चीजें कर दो ताकि नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि बेल आइकॉन दबा के भी उनको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो हफ्ते में आप डीप लाइफ के चैनल पे 2-3 बार आके देख लेना, नई वीडियो आ गई होगी जरूर। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching this video guys, and I'll see you in the next one.